हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग देखने वाले हैं 4 अक्टूबर का द हिंदू। ओके, तो सबसे पहले क्विकली हम लोग देखेंगे हम कोट फॉर द डे। आज का कोट फॉर द डे हमने लिया है वॉल्टेयर से। ओके, इन्हें फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ओके, तो ये कहते क्या देखते हैं, इट इज फॉरबिडन टू किल, देयरफॉर ऑल मर्डरर्स आर पनिश्ड अनलेस दे किल इन लार्ज नंबर्स एंड टू द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स। ओके, तो ये कहते क्या, बहुत ही मजाकिया बात है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, किलिंग जो है, किलिंग समवन इज फॉरबिडन, किसी का खात्मा करना, किसी को मार देना, ये फॉरबिडन है। ठीक है, ये गलत है और ऐसा करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ओके, देयरफॉर ऑल मर्डर्स आर पनिश्ड, इसी की वजह से क्या है, सारे मर्डर्स को पनिश किया जाता है। अनलेस क्या बोलता है, दे किल इन लार्ज नंबर्स एंड टू द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स। ठीक है, आपने अगर कोई मर्डर किया है तो आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा, बट एक्सेप्शन किसको है, अगर आपने वही मर्डर बहुत बड़े नंबर पे किया और आपको, आप जब मर्डर कर रहे हो तो लोग तालियां बजा रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं। ठीक है, जैसे राजा लोग पहले के टाइम में करते थे, जब वॉल्टेयर थे तब फ्रेंच जो फ्रांस था वो एक किंग के अंडर था, राइट। तो वहां पे जो राजा लोग थे वो मर्डर करेंगे तो सब खुशियां मनाते कि राजा ने मार दिया है करके। तो अनलेस अंटिल आपके पास पावर है, ठीक है, लोग आपका किलिंग को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तब तक किलिंग वैलिड है। ठीक है, नॉर्मल आदमी करेगा तो इज डेफिनेटली गेटिंग पनिश्ड फॉर दैट। तो दैट इज व्हाट वॉल्टेयर हैड टू से। ठीक है, तो आप ऐसे में कोड यूज कर सकते हो, ये जहां पे भी आप देखते हो कि कोई स्टेट मतलब कोई नेशन अपने ही सिटीजन्स पे अत्याचार कर रहा है, उनको मारने की कोशिश कर रहा है, तो उस जगह पे आप ये कोड यूज कर सकते हो। ओके, क्विकली हम लोग जाएंगे हमारे डेली डोज ऑफ वोकैब पे। तो आज का पहला वर्ड है प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल मतलब होता है शिष्टाचार, प्रोटोकॉल मतलब होता है शिष्टाचार। तो हम सिनोनिम्स देखेंगे, फॉर्मैलिटीज, रूल्स, एटिकेट्स, फॉर्म्स, मैनर्स, मोर्स, प्रोप्रायटीज। ओके, तो ये सारे हो गए प्रोटोकॉल्स के हमारे सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड देखो, ट्रेसपास। ट्रेसपास मतलब आपको एक जगह पे जाना अलाउड नहीं है और फिर भी आप जा रहे हो, किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप चले गए जहां पे आपको अलाउड नहीं जाना, तो दैट इज ट्रेसपासिंग। ओके, मतलब आप एक क्या बोलते हैं, क्राइम कमिट कर रहे हो, जहां पे आपको जाना अलाउड नहीं वहां पे आप जा रहे हो, राइट। तो देखते हैं हम लोग इसके सिनोनिम्स, देखेंगे ब्रीच करना, ओके, क्राइम करना, डेप्ट, एरर, लॉ ब्रेकिंग, मेल फैक्शन, मिसडीड। तो ये सब क्या हो गए उसके सिनोनिम्स, किसके सिनोनिम्स हो गए, ट्रेसपासिंग के। ठीक है, बहुत जगह पे आपने बोर्ड लगा होगा, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ऐसा लिखा रहता है। तो ट्रेसपासिंग मतलब क्या होगी, विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी वंस परमिशन आप लोग वहां से जा रहे हो, पब्लिक प्रॉपर्टी हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आप एंटर करो, या बहुत ज्यादा सिक्योर्ड जगह वहां पे आप एंटर कर रहे हो, तो उसको ट्रेसपासिंग के अंदर कंसिडर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो डिस्प्यूट। ओके, डिस्प्यूट मतलब विवाद। ओके, डिस्प्यूट मतलब होता है विवाद। जैसे उसके हम लोग सिनोनिम्स देखेंगे, कंटेस्टेशन, कंट्रोवर्सी, डिबेट, डिफरेंस, डिफिकल्टी, डिसएग्रीमेंट। तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स, किसके, विवाद के। क्विकली हम लोग हमारे सिनोनिम्स में नेक्स्ट देखेंगे इम्प्लिसिट। ओके, इम्प्लिसिट मतलब इन, कुछ तो अंदर है। ओके, जैसे अंतर्हित, ठीक है, अंदर ही, इसके हम लोग मतलब देखेंगे सिनोनिम्स में, इम्प्लाइड, टैक्टिक, unexpressed, unspoken, unvoiced, wordless। ठीक है, implicit मतलब जो उसमें दिया गया है, मतलब आपको जरूरी, जैसे अपने preamble में पहले secular ये word नहीं था, okay? But आप जब पढ़ोगे constitution को आपको लग जाता है कि implicit जो है constitution वहां पे लिखता है, मतलब आपको ऐसी जरूरत नहीं कि secular word use करना है, but article 25, 26, 27 के थ्रू अपने को पता चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक secular country है। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं। और जब हमने 1970s में जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सेक्युलर वर्ड डाल दिया प्रीएम्बल में, तब हमें पता चल गया कि बाबा हाँ, एक्सप्लिसिटली मेंशनड है कि ये एक सेक्युलर कंट्री है। तो इम्प्लिसिट मतलब ऐसा जिसको हम लोग बोल सकते हैं अंतर्हित, ठीक है, जो अंदर ही है, उसको सामने आने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट इज इनबिल्ट देयर। ओके, तो इसका मतलब हो गया इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब स्पेसिफिकली वो बात वहां पे मेंशन की गई है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, सिनोनिम फॉर इनवोक। इन्वोक करना किसी को मतलब उसको प्रेरक करना, कुछ काम करने के लिए उसको उत्तेजना देना, ठीक है, उसको चिढ़ाना या चल भाई ये कर वो कर, इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसको प्रेरक करना किसी काम करने के लिए, राइट। तो हम उसे कहेंगे इन्वोकिंग। तो इसके सिनोनिम्स देखो, बिगेटिंग, ब्रीडिंग, ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग अबाउट, ब्रिंगिंग ऑन, कैटलाइजिंग, ओके, और कॉजिंग। तो दीज आर द सिनोनिम्स फॉर इन्वोकिंग, ठीक है, किसी को प्रेरक करना। ओके, नेक्स्ट देखो प्रोवोकेटिव। प्रोवोकेटिव मतलब उत्तेजक, ओके, या उत्तेजना देना,
ओके तो क्या इनवोकिंग और प्रोवोकेटिव हम एज सिनोनिम्स ले सकते हैं? तो डेफिनेटली ले सकते हैं. ओके चलो देखो इसके सिनोनिम्स, चार्ज, एजी, एक्साइटिंग, इनसाइटिंग, इंस्टिगेटिंग, इंस्टिगेटिव, प्रोवोकिंग, ओके एंड स्टिम्युलेटिंग. तो ये हो गए इसके सिनोनिम्स. ओके चलो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे. अभी सिनोनिम्स में नेक्स्ट वर्ड है फ्लैश पॉइंट. फ्लैश पॉइंट मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे ब्लास्ट हो जाता है या जहां पे आग पकड़ लेता है. ओके उसे हम लोग कहेंगे फ्लैश पॉइंट. ओके तो फ्लैश पॉइंट मतलब जलने का बिंदु, जो पॉइंट पे आग पकड़ेगा. तो इसको हम लोग हमारे सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हो कि बाबा झगड़ा कहाँ हुआ, व्हाट वाज द फ्लैश पॉइंट? जब सामने वाले ने सामने एक आदमी दूसरे आदमी को गाली दिया, तब वो दैट वाज द फ्लैश पॉइंट कि दोनों में हाथापाई हो गई. तो फ्लैश पॉइंट क्या था? गाली देना वाज द फ्लैश पॉइंट. पहले से झगड़ा चल रहा था पर गाली जैसे दिया तो फाइट और बढ़ गया. ठीक है तो वो हो गया फ्लैश पॉइंट. ओके तो हम लोग फ्लैश पॉइंट के देखेंगे सिनोनिम्स. बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है, क्लचेस हो सकता है, कंजंक्चर्स हो सकता है, क्राइसिस एंड क्रॉसरोड. दीज आर द सिनोनिम्स. ओके नेक्स्ट देखो सिनोनिम्स फॉर प्रेडिकेटेड. ठीक है प्रेडिकेटेड मतलब किसी को क्या होना है? बेस्ड, ठीक है, ग्राउंडेड, हंग या हैंग्ड और रेस्टेड. ठीक है किसी को जब आप दबा देते हो, उसको रोक देते हो एक जगह पे या उसको हैंग कर देते हो, तब हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं प्रेडिकेटेड, जिसको हम लोग प्रतिपादित भी बोलते हैं. ओके चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग हमारा पैराग्राफ. ओके तो क्विकली इसको रीड कर लेना. आई होप आपने पॉज करके पैराग्राफ को रीड कर लिया है. ठीक है अभी मैं आपको पढ़ने में मदद करता हूँ. इन द कमिंग वीक मिलिट्री कमांडर्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना आर एक्सपेक्टेड टू होल्ड द 13 राउंड ऑफ टॉक्स टू कंटिन्यू द एफर्ट ऑफ टू फाइंड अ वे आउट ऑफ द LAC क्राइसिस. तो क्या होने वाला है आने वाले हफ्ते में? ठीक है मिलिट्री कमांडर्स किधर के? इंडिया और चाइना के. एक 13 राउंड का टॉक कंटिन्यू करने वाले, द 13th राउंड ऑफ टॉक, मतलब 13वां राउंड होने वाला उनकी बातचीत का. अभी तक 12 हो चुके. ओके द एफर्ट टू फाइंड अ वे आउट ऑफ LAC क्राइसिस, जो भी चाइना और इंडिया के बीच में जो भी लाइन को लेकर क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में. Sharp exchanges between Beijing and New Delhi have served as reminder that the relationship are undoubtedly at their lowest since 1988. ठीक है तो जो exchanges हो गए, जो बातें हुई, जो मीडिया में जो लोगों ने मतलब जो officers थे एक दूसरे के जो बातें जिस तरीके से उन्होंने कही गई, exchange करना मतलब जो बातें हुई दोनों साइड से, वो दिखा रहा है कि undoubtedly बिना किसी संदेह के जो हमारे रिलेशन है चाइना के साथ लोएस्ट है, सबसे कम हो चुके हैं 1988 के बाद. बहुत कम हो चुके हैं हमारे रिलेशन. On September 24, the Chinese Foreign Ministry, while responding to a question about new borders management protocols, okay, ये वर्ड का मतलब आपको पता चल गया है, ठीक है, laid the blame for last year's border crisis entirely on India's doorstep, saying India's illegal trespass caused the dispute. तो Chinese Foreign Ministry ने क्या किया कि इंडिया ने क्या किया, जो भी इशू हुआ है, ठीक है, जो भी चाइना और इंडिया के बीच में लास्ट ईयर जो झगड़ा हुआ था, उसका पूरा ब्लेम उन्होंने इंडियंस पे डाल दिया और कहा कि हम लोग थे जिन्होंने इल्लीगल ट्रेसपास किया था. ठीक है कि हमने विदाउट चाइनीज परमिशन, हालांकि हम हमारे एरिया में थे, ठीक है, वो लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना ने बोलते हो कैसे बोला कि हम लोग उनके एरिया में जा रहे थे, राइट? द फॉरेन मिनिस्टर, तो उनका अभी ये चीज आपको समझनी, उनका काम ही ये बोलना, ठीक है, थोड़ी ओपनली वो बोलेगी हाँ हम इंडिया की लाइन में गए थे. तो इस तरीके से ये डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन होते हैं. नेक्स्ट देखो, द फॉरेन मिनिस्ट्री रिपीटेड दिस चार्ज इन इवन स्ट्रॉन्गर लैंग्वेज, डिस्क्राइबिंग ऑन सेप्टेम्बर 29 इंडियाज एक्शंस लास्ट ईयर एज अ फॉरवर्ड पॉलिसी. ओके तो यहां पे उन्होंने क्या बोला है कि इंडिया की जो एक्शन था ये एक फॉरवर्ड पॉलिसी था, मतलब एक्ट ऑफ एग्रेशन था. ओके किसके अगेंस्ट? इम्प्लिसिटली इनवोकिंग द 1962 वॉर. ओके मतलब ये जो इंडिया ने किया उसने क्या कि हमको प्रोवोक किया है, जो 1962 में किया गया था जैसे वॉर हुआ था उसी की ये एक वापस एक दोबारा ये चीज हो रही है. ठीक है तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग न्यू दिल्ली इन रिटर्न. ठीक है तो इसके ऊपर न्यू दिल्ली ने क्या जवाब दिया था? Reminded Beijing that it was its provocative behavior and amassing of troops in April 2020 following annual military exercise that led to the flashpoint. ठीक है तो न्यू दिल्ली ने बोला कि बीजिंग ने जो किया था, जो प्रोवोकेटिव बिहेवियर था बीजिंग, जो उत्तेजन करने वाला जो बिहेवियर था, किसका? बीजिंग का. कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया? अमास किया. अमास करना मतलब गैदर करना. ओके सारे ट्रूप्स को गैदर किया. किस बहाने से? कि बाबा हमारा एनुअल मिलिट्री एक्सरसाइज है, उस बहाने से उन्होंने सारे ट्रूप्स को गैदर किया और वही फ्लैश पॉइंट था. ठीक है वहां पे क्या बोलते हैं, वो एक फ्लैश पॉइंट था जहां पे चीजें बढ़ने शुरू हो गए. द एनवॉयज ऑफ बोथ कंट्रीज हैव ऑल्सो मेड स्टेटमेंट्स दैट अ वर्चुअल डायलॉग
एट अ वर्चुअल डायलॉग दैट सजेस्ट अ गल्फ इन द स्टेट ऑफ रिलेशंस. ठीक है, जो एनवॉयज है दोनों कंट्री के, जो जिनको हम लोग कहते हैं एम्बेसडर्स है, दोनों कंट्री के एम्बेसडर्स ने कोई कोई बात रखी और वो बातों से हमें पता चल रहा है कि जो इशू है वो अभी भी है और वो बहुत ज्यादा इशू, बड़ा इशू है. ठीक है, द गल्फ क्या लिखा है यहाँ पे, द वर्ड यूज किया दैट सजेस्ट अ गल्फ इन द स्टेट रिलेशन. गल्फ मतलब एक खाई हो गई स्टेट के रिलेशन में, मतलब दरार आ गई है. द चाइनीज एनवॉय टू इंडिया सन विडोंग called on both countries to place the border issues in a appropriate position and said it is not the whole story of bilateral relations. Okay, the Sun Wedong ne bola ki jo bhi aapka issue hai, theek hai, dono country ka, unhone ek appropriate position pe rakke baat karni chahiye. Okay, aur uske aage kya hua hai, usi ke saath India ka jo counterpart hai, his Indian counterpart, theek hai, jo इंडिया के एम्बेसडर जो चाइना में बैठे जिनका नाम है विक्रम मिश्री, वो क्या बोल रहे हैं, सेड द चाइनीज साइड वॉज शिफ्टिंग गोल पोस्ट. वो बता रहे थे कि चाइनीज साइड है ना अपना गोल पोस्ट बदल रहे, पहले बोलते हमको ये करना था या हम ये कर रहे थे और अभी चेंज कर लिया दूसरी जगह पे आगे. ठीक है, फिक्स नहीं अपने बात पे, बात बदल रहे वो लोग, इसका मतलब ये होता है. ठीक है, तो कहां पे गोल पोस्ट कैसे बदल रहे हैं, इन हाउ बोथ कंट्रीज हैव फॉर 3 decades मैनेज द बॉर्डर एरियाज पीसफुली. ओके, तो चाइनीज क्या बोल रहा है कि हाँ पहले हमने 3 decade के लिए अपने जो एरियाज था उनको अच्छी तरीके से बॉर्डर किया. ओके, बट चाइना बोल रहा है कि नहीं अभी ये एरिया हमारा था, इंडिया ने ट्रेसपास कर लिया है तो हमको ये एरिया चाहिए. तो चाइनीज अपना गोल पोस्ट बदल रहा है कि ये एरिया हमारा था, वो हमारा एरिया था, इसके वजह से क्या हो रहा है, इंडिया के साइड से भी फ्रिक्शन होने लग गया. ओके, तो चाइना रिस्पॉन्सिबल इस चीज के लिए. ओके, सो this he said was predicated on a well understood distinction between managing the border areas and resolving the border questions. तो ये बात जरूरी यहाँ पे समझना कि चाइना की जो हरकत है कि वो अंदर आने की कोशिश कर रही है, ठीक है, अपना गोल पोस्ट बदल रही है, उसी की वजह से ये इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं. ये ब्रीफली विक्रम मिश्री जी ने कहा. ओके, तो क्विकली हम लोग अभी हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे, idioms and phrases. तो देखिए यहाँ पे एक सेंटेंस है, ठीक है, उसमें आपने को idiom ढूंढ के उसका मतलब ढूंढना है. तो ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ लेज ऑफ इन द इंडस्ट्री द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस इज ऑलवेज हैंगिंग ओवर द एम्प्लॉयज. तो जो ये वर्ड है द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस, तो डेमोक्लिस कौन है, डेमोक्लिस क्या है, द स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस मतलब कि टांगती तलवार जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई कब क्या होगा बोल नहीं सकते. ठीक है, तो जैसे ही लोगों का ले ऑफ हो रहा है, ले ऑफ मतलब लोगों को काम पे निकाला जा रहा है बिकॉज इकोनॉमिक या जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसके वजह से लोगों को काम पे से निकाला जा रहा है और उसके वजह से जो बचे कुचे लोग हैं कंपनी में उनके ऊपर स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्लिस है, मतलब एक टांगती तलवार की हमें भी कभी भी निकाला जा सकता है. तो इसका मतलब देखो क्या इसका मतलब होगा, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्या इसका मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, तो नहीं. ठीक है, क्या इसका नंबर एन इल ओमेन ऑफ डेथ, ठीक है, ओमेन मतलब एक शाप जैसे दीजिए, नहीं. अ कांस्टेंट थ्रेट, तो यस, टांगती तलवार मतलब होता है कांस्टेंट थ्रेट. नेक्स्ट देखो, थ्रेट ऑफ फिजिकल हार्म, तो नहीं, थ्रेट ऑफ फिजिकल हार्म भी नहीं होगा. नेक्स्ट देखो, ट्रू फ्रेंड स्टे बाय आवर साइड थ्रू थिक एंड थिन. ठीक है, जो सच्चे दोस्त होते हैं अपने साइड में रहते हैं, कब, थ्रू थिक एंड थिन. थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, जब बुरा हो जब अच्छा हो. थिक एंड थिन मतलब, थिक मतलब होता है अच्छा टाइम, थिन मतलब होता है बुरा टाइम, ऐसे आप इसको बना सकते हैं इस तरीके से. तो थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस होगा. ओके, तो यस दिस इज द आंसर, बट इसका मतलब इन हैप्पी मूवमेंट्स नहीं, ठीक है, थिक हो गया हैप्पी मूवमेंट्स बट थिन नहीं होगा, इन डिफिकल्ट टाइम्स भी नहीं होगा, इन डिफरेंट वेदर्स भी नहीं होगा. तो इसका मतलब होता है इन ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है, जिस तरीके से भी हो, अच्छे टाइम हो बुरे था उन टाइम हो, हमारे दोस्त हमारे साथ अच्छे रहते, जो ट्रू फ्रेंड्स रहते. ओके, नेक्स्ट देखो, द एम्बिशियस प्रोजेक्ट टू इम्पार्ट फ्री बुक्स टू ऑल स्टूडेंट्स एंडेड इन स्मोक. ठीक है, जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, क्या प्रोजेक्ट था, कि सारे बच्चों को फ्री बुक्स हम लोग देंगे, वो क्या हो गया, इट एंडेड इन स्मोक. एंडेड इन स्मोक का मतलब भाई उसका कुछ अच्छा रिजल्ट आया नहीं, ठीक है, उसका जो भी मेहनत लिया गया था वो पूरा पानी में चला गया. ओके, मतलब एक्सीडेड द बजट होगा, तो नहीं. वॉज डिलेड, तो नहीं. Yielded no result, तो yes. Yield करना मतलब कुछ देना, ठीक है, कोई भी रिजल्ट ये दे नहीं पाया था, राइट. वॉज सक्सेसफुल कंप्लीटेड, नहीं, सक्सेसफुली कंप्लीटेड तो नहीं होगा. ओके, तो ये हमारे कुछ idioms phrases थे, इसके पहले मैंने आपसे पैराग्राफ भी करवा लिया और उसके पहले हमने कुछ वर्ड्स देखे थे, ओके, जो हमारे पैराग्राफ में थे. और आपको आई होप आपको वॉल्टेयर का जो कोट था वो भी पसंद आया होगा. अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो SSC ने 3261 पोस्ट निकाली फेज 9 की, उसके लिए हमने दो वीडियोस बनाए जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है कि ये पोस्ट क्या है और वो फॉर्म कैसे फिल करना है. तो आप जाके क्विकली वो वीडियोस देख लो, आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियोस मिल जाएगी. विद दैट, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे और वीडियोस के लिए, जहाँ पे सिर्फ 15 से 20 मिनट में, ठीक है, डेली 15 से 20 मिनट भी अगर आप स्पीड बढ़ा के देख रहे हो तो आपको उससे भी कम ही टाइम लगेगा.
उतने टाइम में आपके 6 से 7 वर्ड्स डेली हो रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि एक पैराग्राफ को रीड करके उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, और आपके 3 से 4 ईडियम्स भी होते हैं ओके और धीरे धीरे हम नई चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर आपका 15 मिनट देके इतनी पढ़ाई अगर हो रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ओके और इसका जो पीडीएफ है जो भी मैंने लिखा है ये सारा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो नीचे लिंक दी गई हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए ओके और नए वैकेंसीज और नई और भी जो इन्फॉर्मेशन रहेगा एग्जाम रिलेटेड पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ओके। विद दैट थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।